आजम आए रूम रूम ढूंढने, मतलब के रेंट पे रूम लेंगे आजम। तो रूम देखने के लिए हमने बहुत से लोकेशन ढूंढते ढूंढते टेस्ट करते करते आखिरकार उस मकान तक आ चुके। तो उस मकान का रेंट थोड़ा कॉस्टली है, हमारी जेब से भारी है, पर फिर भी हम ये रूम जो है, हाउस जो है, रेंट पे लेंगे। तो रेंट लेने के लिए हमें इसके पे करने पड़ेंगे पैसे। तो ये पे करने के बाद हमें ये हाउस जो है रेंट पे मिल जाएगा। तो पहले हमें ये हाउस जो है देखना है, घर सही नमूने से देखने के बाद सही तरीके से देखेंगे ये घर। ये घर अभी हमने चारों साइड देखना है, उसके बाद हमें लेना है रेंट पे। तो रेंट पे लेके फिर हमें करना है अभी काम। तो उसके बाद हमें फिर यहाँ पे अपने जॉब भी ढूंढनी है। जॉब ढूंढने के बाद फिर हमने आगे का भी प्लानिंग करनी, क्या प्लानिंग करनी क्या नहीं, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए पहले तो हमने घर लेना है, घर हमने सारा देखना है, पहले फ्लोर का नज़ारा कुछ नहीं। हमने पहले बेडरूम देखना है, बेडरूम के बाद अब हम चलते हैं ऊपर। तो वो बेडरूम तो काफ़ी अच्छा है इसका, ड्राइंग रूम भी देख लिया है तो वो भी अच्छा है। तो अभी हम चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर। तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर क्या है वो भी देख लेते हैं, फर्स्ट फ्लोर भी देखते हैं, फिर आगे का हम सोचेंगे क्या करना क्या नहीं, ये रूम लेना है नहीं लेना। तो अभी ये हो गया बिल्कुल सही, रूम का ड्राइंग रूम भी अच्छा है, इस घर का ड्राइंग रूम भी अच्छा है, तो ये भी सही है, मतलब कि चल जाएगा। अब इसका व्यू देखते हैं, व्यू कैसा है। व्यू भी जैसे बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। तो इस व्यू के मुताबिक भी हमें घर ले लेना चाहिए, मतलब कि रेंट पे ले सकते हैं, क्योंकि इस घर को हम बाय नहीं कर सकते। रेट पर निकल गया तो टांग थोड़ी फिसल गई, तो गया काम, उतर गए सारे, चोट बड़ी जोर की लगी है। तो अब कोई बात नहीं है, तो अभी हमने कर देनी है इस घर की ऑनलाइन पेमेंट। तो पेमेंट करने के बाद अभी हम उनकी, इस घर का रेंट है 8,000 रुपये, तो हमने कर देना पे, हमने कर देना 9,000 रुपये पे। 2,000 पे करने के बाद फिर हम इस घर में राइट करेंगे, मतलब के रहेंगे। अब इस घर का हमने जो पेमेंट है वो दे दिया है ऑनलाइन, तो मकान मालिक को, तो अब ये हमने जो घर है रेंट पे ले लिया है। तो अब हम इस पे इस घर में स्टे करेंगे और यहीं पे जॉब तलाश करेंगे। तो इधर जो होम, जो घर के ऑनर हैं, उन्होंने हमारे लिए एक अच्छी सी फैसिलिटी दी है। उन्होंने हमें अपनी एक स्पेशल बाइक जो है एसी दे दी है यूज़ करने के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो वो बाइक भी हम देखने चलते हैं कौन सी है, कैसी बाइक है। और इस घर के आगे एक स्विमिंग पूल भी है, स्विमिंग पूल के मुताबिक भी अच्छा काम हो गया। तो अब हम देखते हैं अपनी बाइक, ये रही बाइक खड़ी हुई है, बाइक तो काफ़ी अच्छी है। तो काम हो गया टाइम, तो इस बाइक पे हम करेंगे स्टंट वगैरह करके हम जो है अपना वर्क करेंगे स्टार्ट। तो वर्क स्टार्ट करने के बाद पहले हम ये बाइक खरीदी नहीं है, पर हमें अपने पर्सनल यूज़ के लिए मकान मालिक ने दी हुई है। तो हम इस गाड़ी के लिए कुछ अच्छा सा करते हैं, गाड़ी का कलर वगैरह चेंज करते हैं। ओहो गलत आ गए, गाड़ी का कलर वगैरह हम चेंज करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले खुद के लुक्स भी करेंगे, लुक्स नहीं करने। तो अभी फ़िलहाल हमने पहन लिए हेलमेट और जैकेट। तो अब हम चलते हैं थोड़ा बाहर विजिट करने, ये एरिया देखने, एरिया एक्सप्लोर करने की एरिया कैसा अच्छा है, रहने लाइक है या नहीं है। तो इसलिए से अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे की तरफ काफ़ी अच्छा एरिया है, तो जैसे कि आप देखते हैं व्यू भी काफ़ी अच्छा है, एरिया भी इतना अच्छा है, और सफाई इधर की जो है वो है एक नंबर सफाई। तो सफाई के लिए सफाई तो डिप्लॉप की है, तो इस लिहाज से अब इस मोहल्ले में रहने का अपना मज़ा आएगा, बहुत इंजॉय करेंगे इधर ही। तो अब चलते हैं हम आगे की तरफ।
आगे देखते हैं अगर कोई अच्छा सब चौक वगैरह या मेन चौक वगैरह या पार्क वगैरह या फूड सेंटर वगैरह है या नहीं है, क्योंकि हमें भी जो है भूख लगी है बहुत तेज़, तो अपने लिए खाना वगैरह तो ढूंढना पड़ेगा, खाने का इंतजाम तो करना पड़ेगा, खाने के बगैर तो काम नहीं चलेगा। तो इसलिए अब हम चलते हैं अपने लिए कुछ ढूंढने। अभी हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, इधर तो ये चौक बिल्कुल खाली है, इधर ना कोई ठेला है ना कोई रेड़ी है, इधर ना रेड़ी ना ठेला। तो अब यहाँ लगता है कि इस मोहल्ले में सब कुछ है, लेकिन बंदा भूख मरेगा, भूख से मरेगा, बोलेगा हाय मोरी मैया भूख मर गया, चल चलाते सीटियाँ बजाते अंटियाँ बताते। अब हम कहते हैं चलो भूख तो नहीं मिला, तो ये बंदी सेट करते हैं उसको कहेंगे वो अपने घर से भूख वगैरह बना के हमें दे दिया करेगी। बात बिल्कुल खाली है, कोई बंदी नहीं है, तो बंदी बंदी छोड़े थे अपना मकान मालिक भी हमें कुत्ते मार के भाग कर चले गए, लेकिन आते साथ ही मैंने ऐसे काम स्टार्ट कर दिए। और सुनो सुनो करेंगे हम सारे काम, अच्छे अच्छे काम, बंदियाँ फंसाएंगे, उनको लूटेंगे दिल से, उनकी जेब खाली करवाएंगे। वही तो मतलब क्या असली मजा तब है जब आप सामने वाली के खर्चा करवाओ, अपना खर्चा जो है जेब में रखो, टाइट सामने वाली का करवाओ खर्चा, तब आएगा मज़ा। तो मज़े के लिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ, आगे की तरफ देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं। तो यहाँ पे बिल्डिंग सबसे अच्छी है, यहाँ पे हमें जॉब भी शायद मिल सकती है, तो यहाँ पे भी सीवी वगैरह लेके आएंगे अप्लाई करने, अगर जॉब मिल गई तो ठीक है, ना मिली तो हमारे पास एक और रास्ता है, मतलब कि हम करेंगे स्टंट के भी हमें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, तो उन पैसे से हम अपने लिए जो है यही वाला घर खरीद लेंगे। क्योंकि ये घर मकान मालिक ने वैसे भी सेल भी करना है, फिलहाल किराए पर रखा हुआ है उन्होंने, मतलब कि रेंट पे, रेंट के मुताबिक अब हम चलते हैं। अब यहाँ देखो उधर जा रही है सुपर कास्ट, जैसे एरिया तो काफ़ी अमीर बंदों का लग रहा है, इधर तो रॉयल फैमिलीज की कार जा रही है, एकदम बढ़िया कार से, इधर तो सब सुपर कार घूम रही है, ऑडी वगैरह, फरारी, लैम्बोर्गिनी, उसके बाद एक ये जा रही कार, ये तो वो ऑडी है, और हम तो इधर तो ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई है ही नहीं। डर तो बड़ा लग रहा है, क्योंकि यहाँ सारे रहते हैं लैंडलॉर्ड और रॉयल पार्टीज, और हम इधर सबसे गरीब रेंट पे रहने वाले। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ, सब कुछ लोड कर लिया, अब हम क्योंकि हमारे पास जब पैसा है नहीं तो हम बाइक से घूम नहीं सकते, बाइक से घूमेंगे तो पेट्रोल तो खर्चा आएगा, और पेट्रोल घर है तो आपको पता है पेट्रोल कितना महंगा चल रहा है, तो इसलिए हमें पेट्रोल की बचत करने के लिए तो अभी हम कर रहे हैं पैदल। अब ये देखो ये जा रही है बुगाटी सब चल रही है भाई, रॉयल सब बंदी भी बुगाटी होगी, देखे तो बंदी बुगाटी टाइप नहीं है, इधर ठीक है। तो फिर नेक्स्ट डे हम यहाँ पे आएंगे तो किसी ये बंदी को बताएंगे, फिर उसकी जो है सारी प्रॉपर्टी हटाएंगे, फिर एंजॉय करेंगे लाइफ को, स्टंट भी करेंगे, कार्स भी खरीदेंगे, रॉयल लाइफ जिएंगे। बंदी तो नहीं दिख रही, चलो बंदा भी अच्छा है, बंदे को सेट कर लेते हैं, वो बंदे इधर रुक, अबे रुक, अबे कहाँ जा रहा है, अबे जरा तुझे एक मिनट चमन बीड़ी दूँ, आजा ले चमन बीड़ी, ले चमन बीड़ी, चुम्मा देगा या मार खाएगा, साला मर गया लगता है, बेहोश हो गया, भाग गया, पतला पतली गली पकड़ भाग रही किधर जा रही है, आ जा रही मुखलो। तो सुनाओ कैसी हो, कहाँ जा रही हो, कहाँ आ रही हो, जा रहा हूँ ना, गला आऊँगा करिए ना, अब गल आएंगे तो फंसाएंगे, फिर हम इससे दूध का इंतजाम करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो फूल वगैरह है नहीं,
अभी जो फूड है वो था हमारे बैग में, तो बैग हमने रख दिया है घर में। तो अब हम चलते हैं घर की तरफ वापस, तो अब हम घर की तरफ चलेंगे वापस, फिर वहाँ जा कर कुछ खाएँगे पियेंगे ऐड करेंगे। तब के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।